Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी Agilus Diagnostics. खुद को टेस्ट करते रहो. महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो गया है और चुनाव के ऐलान से पहले शिंदे सरकार ने एक मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए एक योजना की शुरुआत की थी जिसका नाम दिया था लाडली बहन योजना। महाराष्ट्र में भी इस योजना की खूब चर्चा हुई। ये योजना ठीक वैसे ही रही जैसे कि उम्मीद शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में लगा रहे थे कि लाडली बहन योजना से जीत का परचम लहराएंगे और इसका असर भी हुआ। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान तब मुख्यमंत्री थे और जीत भी गए। वैसे ही महाराष्ट्र में शिंदे सरकार को जीत की उम्मीद है। अब शिंदे सरकार भी इसी उम्मीद से लाडली बहन योजना की शुरुआत की। महायुति सरकार ने जुलाई महीने से राज्य में लाडली बहन योजना शुरू की। इस योजना में महिलाओं के खाते में हर महीने 1500 रुपए जमा किए जाते हैं। इस योजना की पूरे राज्य में जमकर चर्चा भी हो रही है। साथ में आप मीडिया, प्रिंट और सोशल मीडिया सभी जगह इसकी चर्चा देखे होंगे। अभी तक 4 किस्त भी ठीक से पूरे नहीं हुए। किस्त से पहले ही लाडली बहन योजना को लेकर आरटीआई में एक बड़ा चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। शिंदे सरकार ने जितने पैसे सरकार की सरकारी योजना पर खर्च नहीं किए उससे कहीं ज्यादा पैसे उन्होंने चुनाव प्रचार से पहले लाडली बहन योजना के लिए जो एडवर्टीजमेंट है, विज्ञापन है, उस पर उड़ा दिया गया। आरटीआई में खुलासा हुआ है कि मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना के विज्ञापन पर 200 करोड़ रुपए से अधिक का खर्च किए जा चुके हैं सिर्फ विज्ञापन पर। आरटीआई में यह बात भी सामने आई है कि सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने टीवी और अखबारों में इस योजना के विज्ञापनों पर 199 करोड़ 81 लाख रुपए से अधिक की राशि खर्च कर दी। मतलब लगभग 200 करोड़ रुपए सिर्फ विज्ञापन पर शिंदे सरकार ने उड़ा दिए। मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना पर विज्ञापन को लेकर खर्च का ब्यौरा मांगने वाले आरटीआई के याचिकाकर्ता हैं अजय बोस। अजय बोस का कहना है कि जितना पैसा सरकार विज्ञापनों पर खर्च कर रही है उस 200 करोड़ रुपए से महिलाओं के हित में कुछ और काम किया जा सकता था। सरकार चुनाव के समय ही उस 200 करोड़ रुपए से कुछ और योजना बना सकती थी लेकिन सरकार ने 200 करोड़ रुपए सिर्फ ये दिखाने में उड़ा दिए कि हमने लाडली बहन योजना की शुरुआत की। हालांकि शिंदे सरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस के और 16 अक्टूबर को इसे मास्टर स्ट्रोक भी करार दिया। आप शिंदे का बयान भी सुनिए। मुझे खुशी है, मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ पर रिपोर्ट कार्ड देने की हिम्मत चाहिए, रिपोर्ट कार्ड देने के लिए काम करना चाहिए। ये काम हमने इस रिपोर्ट कार्ड में छापे हैं। महा विकास आघाड़ी के काम 2.5 साल के और 2.25 साल के महायुति के काम होने दो। जनता की अदालत में दूध का दूध, पानी का पानी, इसमें एक भी अगर झूठ होगा तो आप बोलेंगे वो हारेंगे हम। और इसलिए हमने सिर्फ काम किया है और महाविकास आघाड़ी की उसके पैरों तले जमीन खिसक गई है। लाडली बहन किसान योजना ये सब योजना में नहीं जाता हूँ लेकिन ये योजना हम बंद करेंगे ऐसा विपक्ष बोल रहा है तो उनको मुंह तोड़ जवाब। ये हमारी जनता, मेरी लाडली बहना, लाडले भाई, लाडले किसान, ये सब अच्छा उनको बराबर उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। और आने वाले इस चुनाव में महायुति ने जो 2.25 साल में काम किया है उसका काम का जो बोलते मराठी में कामाची पोच पावती ये जो है वो निश्चित रूप से देंगे। और महायुति सरकार पूरे ताकत से मेजोरिटी से फिर जनता की सेवा में आएगी। इसके लिए याचिकाकर्ता अजय बोस का कहना है कि यह योजना इतनी लाभकारी है तो फिर उसे विज्ञापन पर इतने खर्च करने की जरूरत क्या पड़ी। बोस इसे जनता के टैक्स के पैसे की बर्बादी करार देते हुए ये कहते हैं कि आने वाले समय में इस योजना के प्रचार और रैलियों में हुए खर्च का कुल आंकड़ा 500 करोड़ रुपए तक
पहुंच सकता है। हालांकि आरटीआई में कुछ और जानकारी नहीं दी गई है, जैसे कि जो रैली में बस से लोगों को लाया गया इस योजना के बारे में जानकारी देने के लिए उस पर कितने खर्च हुए, किस किस क्षेत्र में प्रिंट मीडिया पर कितने रुपए खर्च हुए, ये अभी बात सामने नहीं आई। ये ओवरऑल डेटा है जो महाराष्ट्र में शिंदे सरकार ने लाडली बहन योजना पर खर्च किए। अब बोस का बयान भी सुनिए। मैंने ये जानकारी मांगी थी जब मैंने टीवी पे ऐड देखा कि लाडली बहन योजना के लिए खूब सारे ऐड मराठी चैनल या बाकी हिंदी चैनल पे भी आ रहे हैं, तो मैंने एक आर्टे लगाया महाराष्ट्र सरकार की तरफ कि इसमें जो एडवर्टाइजमेंट और जो प्रमोट कर रहे हैं माहिती अपना लाडली बहन योजना में, इसमें कितने पैसे खर्चे हुए। तो बड़ा धक्कादायक ये आया सामने, इन्फॉर्मेशन सामने ऐसा दिखने में आया कि 200 करोड़ रुपया सिर्फ टीवी में ऐड और पेपर में ऐड देने के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने खर्चा किया है। जिले जिले में सभाएं हो रही थी अभी तक लाडली बहन योजना की, उसमें भी जो खर्चा हुआ है इसकी भी जानकारी मांगी है? नहीं, अभी तक तो नहीं मांगी, लेकिन मैं इस बारे में आरटीए करने वाला हूँ और मुझे जानना है कि जो सभाएं हो रही थी, जो बस से लोगों को लाया जा रहा था, उस पर भी कितना खर्चा हुआ है। मुझे लगता है जब ये सब खर्चा जोड़ा जाएगा तो करीब 500 करोड़ के ऊपर एक खर्चा हो जाएगा और एक आम पब्लिक का पैसा, यही पैसा कोई दूसरे योजना में ही सरकार लगा सकती है। अजय बोस SBI से सूचना का अधिकार मिलने की जानकारी पर ट्वीट कर सुर्खियों में आए थे और बोस का ये कहना है कि वो किसी पार्टी से नहीं जुड़े हैं, आरटीआई दायर कर सरकार की जानकारी मांगते रहते हैं। लाडली बहन योजना में अगर इसकी खासियत की बात करें तो लाभार्थी महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए उनके खाते में जमा किए जाते हैं, सरकार देती है। इस योजना का लाभ तभी उठाया जा सकता है जब इस योजना के लिए पात्र होने के लिए कुछ शर्तें पूरी करनी होती है और अगर ये शर्त पूरी होती है तो आप इसका लाभ उठा सकते हैं। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपकी आयु सीमा 21 से 60 साल की होनी चाहिए। अब नए बदलाव ये भी किए गए हैं कि ऐसी आयु सीमा को बढ़ाकर अब 65 साल कर दिया गया है। इस योजना का लाभ केवल वही महिलाएं उठा सकती हैं जिनकी वार्षिक आय 2,50,000 रुपए के अंदर है, मतलब एक साल की कमाई 2,50,000 रुपए ही हो। विवाहित तलाकशुदा महिलाएं इसके लिए पात्र हैं। महिला आवेदन महाराष्ट्र की निवासी भी होनी चाहिए तभी वो इसके लिए आवेदन कर सकती है। इस योजना के लाभ उठाने के लिए जो दस्तावेज है उसमें सरकार आधार कार्ड, पहचान पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और आवेदक द्वारा वचन पत्र भी लेती है, साथ में बैंक पासबुक और आवेदक की तस्वीरें लेती है। इस योजना से राज्य सरकार के खजाने पर 4600 करोड़ रुपए का बोझ भी बढ़ गया है। ये बात जानकारी आई है कि 4600 करोड़ रुपया सिर्फ लाडली बहन योजना शुरू करने की वजह से सरकार पर कर्ज हो गया। शिंदे सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना और इस पर चौंकाने वाले जो बयान सामने आए आरटीआई में वो तो है ही, साथ में 4600 करोड़ रुपए के बजट से बनी इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 1500 की आर्थिक सहायता प्रदान करने का वादा चुनाव से पहले शिंदे सरकार ने मास्टर स्ट्रोक खेला और 4600 करोड़ रुपए कर्ज राज्य सरकार पर डाल दिया। इस योजना की पूरे राज्य में जमकर चर्चा भी हो रही है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के ऐलान से पहले इस योजना की शुरुआत महायुक्ति ने की थी और महायुक्ति में शामिल तीनों दलों ने जोरदार प्रचार भी किया था, उसमें अजीत पवार, शिंदे, देवेंद्र फडणवीस शामिल हैं। लाडली बहन योजना के लिए दिवाली के लिए बोनस के तौर पर सरकार 5500 रुपए देने का भी विचार कर रही है। इस योजना के तहत चयनित महिलाओं को 3000 रुपए की चौथी और पांचवी किस्त का भुगतान उनके बैंक खातों में दिवाली से पहले ही कर दिया जाएगा। सरकार ने इसका भी ऐलान किया है। महाराष्ट्र सरकार ने लाडली बहन योजना के लिए आवेदन की समय जो बढ़ाकर अब 15 अक्टूबर तक कर दी है। जिन महिलाओं ने अभी तक इस योजना के लिए आवेदन नहीं किया है वे 15 अक्टूबर तक कर सकती थी और इसके बाद आवेदन बंद होने की बात आ रही है। हालांकि चुनाव का वक्त है, हो सकता है कि 15 अक्टूबर के डेडलाइन से सरकार आगे और भी बढ़ा दे और इसमें लाडली बहन योजना में महाराष्ट्र की महिलाएं आवेदन कर सकें और इसका लाभ उठा सकें। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।